यस, सो गुड इवनिंग वंस अगेन टू सेशन नंबर 9 ऑफ ए टू जेड ऑफ कैरोके सिंगिंग। आप सबको नमस्कार। जीडी शर्मा हूँ मैं। मेनी ऑफ यू आर न्यू आई थिंक, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझे पहचानते नहीं होंगे। तो माय नेम इज जीडी शर्मा। वी हैव कंडक्टेड सीजन 1 विथ 12 सेशंस ऑन एवरी थर्सडे विदाउट फेल, एंड दिस इज सीजन 2 ऑफ ए टू जेड ऑफ कैरोके सिंगिंग, गेटिंग इन टू द 9th सेशन। सो दैट इज द हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी ऑफ द प्रोग्राम। सो सम ऑफ यू फॉर वॉट एवर रीजन मे हैव ज्वाइंड टूडे, मे हैव ज्वाइंड लास्ट सेशन, या फिर उससे पहले का जो सेशन है उसमें ज्वाइन हुए होंगे। तो यू हैव रियली मिस्ड अ लॉट। यानी सेमेस्टर आगे बढ़ चुका है और एग्ज़ाम भी आने वाला था, लेकिन अभी आप क्लास यानी ट्यूटोरियल ज्वाइन कर रहे हैं, तो यू वुड हैव मिस्ड क्वाइट अ लॉट आई एम सेइंग। तो दैट इज़ वाई ऑल दिस ग्रीन बैकग्राउंड, एवरीथिंग वॉज मैंशनड। वी कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड ऑफ कैरोके सिंगिंग, एंड इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम है ए टू जेड ऑफ कैरोके सिंगिंग। एंड ये पॉपुलर डिमांड से सीजन 2 में आ चुके हैं हम, एंड मैनी ऑफ यू आर न्यू कमर्स अटेंडिंग द सेशन ऑफ एंड ऑन। तो ये जो कंटिन्यूटी का जो फैक्टर है वो मिस करते होंगे आप, तो दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज वी आर ऑल अ ब्यूटिफुल गैदरिंग, वी आर अ वेरी नाइस ग्रुप। पहले दो व्हाट्सएप ग्रुप थे, सीजन 1 ऑफ कैरोके सिंगिंग एंड सीजन 2 ऑफ ए टू जेड ऑफ कैरोके सिंगिंग, दो ग्रुप्स बने थे। तो हमने कल रात को ये दोनों ग्रुप को एक ग्रुप कर दिया है और उसका सिंपल नाम है ए टू जेड ऑफ कैरोके सिंगिंग। तो ये है ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ व्हाट इज एन ऑर्केस्ट्रा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग एंड सिंगिंग टू कैरोके ट्रैक, फंडामेंटल यानी है कि नहीं, दैट इज द ए बी सी डी ऑफ द प्रोग्राम एक्चुअली। ओके, एंड देन व्हाट इज द एडवांटेज और द डिसएडवांटेज ऑफ सिंगिंग टू कैरोके ट्रैक, व्हाट इज द चैलेंज, वेयर एज एन ऑर्केस्ट्रा कैन एडजस्ट टू योर स्केल इवन, एंड दे कैन एडजस्ट टू योर टेम्पो ऑल्सो इन केस यू वॉन्ट टू सिंग फास्ट और यू वॉन्ट टू सिंग स्लो। बट ये सब कभी नहीं हो सकता इन अ रेडीमेड कैरोके ट्रैक। ऑफकोर्स टूडे यू हैव टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू टू स्लो डाउन द ट्रैक, यू हैव टेक्नोलॉजी टू स्लो डाउन द फास्ट, हेसन द ट्रैक, स्पीड अप द ट्रैक, यू हैव टेक्नोलॉजी टू लोअर द स्केल, इंक्रीज द स्केल एंड वॉट नॉट। लेकिन अगर एक रेडीमेड ट्रैक होता है यानी विच इज़ डाउनलोडेड फ्रॉम द यूट्यूब, तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो उसको लेके गाना ही पड़ेगा। तो द एनालॉजी दैट आई हैड यूज्ड एंड विच हैज़ बिकम क्वाइट फेमस नाउ इज़ दैट इट इज़ लाइक गेटिंग इन टू अ रनिंग ट्रेन, यू हैव नो चॉइस। इट इज़ जस्ट लाइक यू हैव गॉट इन टू द प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड रनिंग, यानी द ट्रैक हैज़ स्टार्टेड रनिंग। तो आपको कूद के विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी झटका, यू हैव टू गेट इन टू द ट्रैक एंड स्टार्ट सिंगिंग। सो दैट इज़ द बेस्ट एनालॉजी दैट आई कुड एवर थिंक ऑफ टू से दैट वॉट इज़ द चैलेंज इन सिंगिंग टू अ कैरोके ट्रैक। अभी उसके बाद विन बी कवर्ड थिंग्स लाइक वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल हिंदी फिल्म सॉन्ग, यानी उसमें अंतरा होता है, मुखड़ा होता है, उसके बीच में BGM होता है यानी बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, और फिर दो अंतरे के बीच में इंटरलूड होता है, एंड देन फिर से वो जो ख़त्म होने वाला सॉन्ग का जो अंतिम भाग है उसमें फिर से वो मुखड़ा रिपीट होता है, एंड इसमें काफ़ी वेरिएशंस हो सकते हैं सॉन्ग टू सॉन्ग। सो वी स्पोक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सॉन्ग, दैट हु आर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू अ मूवी सॉन्ग, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर हु सेट्स द सेटिंग फॉर द सॉन्ग, इंक्लूडिंग द एक्टर हु हैज़ टू इमोट दैट सॉन्ग, एंड ऑफकोर्स द सिंगर हु हैज़ टू एक्चुअली ब्रिंग दैट भाव एंड द इमोशन इन टू द सॉन्ग, सो दैट द एक्टर इज ऑल्सो एबल टू इमोट इट। वेरी मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट द एक्टर हार्डली बॉदर्स अबाउट वॉट द यू नो द सिंगर हैज़ पुट इन सो सो मच विथ सो मच एफर्ट, उन्होंने इतना जो है फीलिंग्स लाया हुआ होता है वो गाने में, बट द यू नो एक्टर लाइक नवीन निश्चल और समबड़ी, आई मीन ही जस्ट वॉक्स बिहाइंड समबड़ी द एक्ट्रेस एंड सेज रातिकली तो एक ख्वाब में आई। सो देर इज़ नो एब्सोल्यूट नो, देर आर सॉन्ग्स वेयर देर इज़ नो कनेक्शन और यू नो लिंकेज बिटवीन द पिक्चराइजेशन एंड द सॉन्ग,
So therefore, we have enjoyed the songs more than the picturization. I would put it as a, I hope all of you are able to relate to what I am trying to say, because we are all of the same age group. So we grew up with these songs. We were brought up with these songs, and this is part of our you know, hard disk, I would say, right? And as a friend of mine was telling me today afternoon, I mean, he has heard this song, I don't know, from childhood. He says, "Mujhe pura gana itna kya bolte hain usko by heart hai ki I can just you can wake me up in the deep sleep and then tell me, arey, ye gana gao, so I'll be able to sing that song with full lyrics." So that is how we have been brought up. That is our upbringing, I would say. We on a steady diet of Binaka Geet Malas and you know. Kohinoor Geet Gunjar and things like that. So a lot of such programs we have been attending, many of them without the knowledge of our parents perhaps, and many of them sitting huddled up in a corner in somebody's house because their father and mother also would be very strict or whatever. And so these are fantastic memories that we have. So all these things we have covered in the A to Z of karaoke singing, and that is how we have reached the 9th session today. And what are the other things that we have covered? Just for a quick good recap, because it also helps us to kind of rejig our memory. So what is the things that we have covered are the elements and structure of a song. Then how do you sing? What are the breathing techniques? How do you attempt a throw of your voice? How do you do voice throw? How do you do exercises to increase your breathing capacity? And because un dino ke gaano mein, until today, when we have started observing every song line by line and hearing it 25 times, oh, that line we will repeat. Thanks to technology, we can just draw back the cursor and then the song will sing again. So we have that advantage today, unlike in the earlier days when radio Ceylon would broadcast and the song is gone, means it is gone. We have just missed it. Many times we used to come to the Binaka Geet Mala 5-10 minutes later and we would have said, "Arey, tumne to teen gaane tum miss kar diye." Theek hai na? So that cannot happen today. Thanks to technology, we are able to hear that line again and again to see how Mohammad Rafi or Mukesh ji or Vanade Saab has sung it, etc. So those are the advantages we have today thanks to technology. And so we are able to fulfill our childhood dream, our lifelong dream of attempting to sing. Sing for our own soul satisfaction, sing for our own entertainment, and of course sing for the entertainment of near and dear ones across our families, circles and friend circles and so on and so forth. So we have also talked about the technicalities, meaning that what kind of mics you should select, how there can be a condenser mic and there can be a dynamic mic, what is the difference between a condenser mic and a dynamic mic. We have spoken about different capacity speakers. We have spoken about different types of mixers and amplifiers which you may use for your recording and broadcast, etc. We have also spoken about ready-made karaoke kits like the Smule, Smule is not in the picture at all, I'm sorry about that. Persang kits, etc. We have displayed images of you know, various websites like bajao.com and of course Flipkart and Amazon of the world to display different photographs and images of different types of speakers, mixers, mics, etc., etc. We have also brought in our own friends from the same group. There are some friends in our own group who are a little more knowledgeable than most of us in terms of how to record, how to adjust the audio volumes, what are the different settings in a mixer, what is bass, what is treble, what is FX or echo or whatever, and special effects and things like that, and what is gain, what is pan, and things like that. So a little bit of technical data, inputs have also been received by all of us. And so therefore, I must say in all humility that these sessions have been extremely content rich. Bahut, bahut badhiya hai. I should be saying that. I have no qualms in saying that because it has been thought through. Itna sara, kya bolte hain usko, thought process uske andar gaya hai. कि हमने एक पूरा सिलेबस जैसे बना दिया था एंड दिस हैज़ बीन रिपीटेड फॉर सीजन टू ऑल्सो एंड सो देयरफॉर दैट इज हाउ टुडे वी आर रीच द
session number 9. So that is the long and short of the whole program. I just wanted to repeat it because all the groups have now become one. There is only one WhatsApp group, which is A to Z of karaoke singing. And this has nothing to do with season 1 to 8 of Seniors Have Talent. That is a competition done by the seniors today. And based on the participants of Seniors Have Talent season 1 to 8, each season having 8 groups, each of the 8 groups having 14 participants each, you can do the multiplication. So all the participants, we have publicized this A to Z of karaoke singing, because many of us who participated in the Seniors Have Today competition were not very familiar. Itna sara apna jankari nahi tha ki kaise karaoke mein gaya jaye, etc. तो उसके हिसाब से सीनियर्स टुडे ने मुझे अप्रोच किया था, तो मैंने आई वाज वेरी रेडिली एग्रीड, मैंने तुरंत हाँ कर दिया था. एंड दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट डिस्कशन विद सीनियर्स टुडे. सो थैंक्स वंस अगेन टू सीनियर्स टुडे फॉर बीइंग सो अकोमोडेटिव, फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव, फॉर बीइंग सो सपोर्टिव टू ऑल अवर इनिशिएटिव्स. And yes, that's really, that deserves a clap. Seniors Today deserves a clap from all of us. Yeah, thank you very much, Usha. Sir, can okay. I interrupt for a moment? Haan, sir. Who is this speaking, sir? J.K. Pandey, Jai Krishna Pandey. Jai Krishna Pandey. Sir, your first 8 lessons, are they recorded somewhere? All of them are available on YouTube. Okay. All of them for season 1 are also available on YouTube. सीजन 2 का जो 1 to 8 नहीं हो सकता है, 7 तो जरूर होगा, 1 to 7 सेशंस आर ऑल अवेलेबल ऑन यूट्यूब. अगर आप यानी ये व्हाट्सएप ग्रुप में हो जय कृष्ण पांडे जी, देन आई कैन ऑल्सो सेंड यू द लिंक एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. आफ्टर दिस सेशन इज ओवर एट 7:15 आई विल बी एबल टू शेयर द सेशंस विद यू. आई थिंक आई एम नॉट इन दैट कॉम्पिटिशन ग्रुप, आई एम देयर. नहीं नहीं नहीं, ये कंपटीशन से कुछ लेना देना नहीं है सर, यहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं. दैट दे हैव मेड वन ग्रुप, आई एम देयर इन दैट. नहीं ठीक है, तो ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज अ कंफ्यूजन कि अपने को कंपटीशन ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है, वो अलग सा कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ चलता है. हाउ टू जॉइन दिस ग्रुप देन? हाँ, तो योर नेम विल बी इंक्लूडेड नाउ दैट योर वॉइस इज रिकॉर्डेड, योर प्रेजेंस इज रिकॉर्डेड. अर्चना जी इज सो वेरी प्रॉम्प्ट एंड रिसोर्सफुल that okay. Before we go back home after the session, you would have been included in the group. Thank you, sir. That is the speed with which Seniors Today works. Theek hai na? Very good. So can we take some questions or you know clarifications from the previous sessions? Aisa nahi hai ki somebody like Jai Krishna Pandey ji should ask some questions saying what is the song, to fir hum to ABCD se fir se shuru karna padega. But any clarification, any thought that you would like to share, जैसे कोई आपका कोई यानी कुछ सुझाव हो सकता है, आपका कोई सजेशन हो सकता है, तो अगर कुछ आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर, लेट्स मेक इट लिटिल इंटरेक्टिव इन द बिगिनिंग, देन वी विल हैव द सॉन्ग्स आल्सो टू बी प्रेजेंटेड बाय आवर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. सो एनी थॉट प्रोसेसेस प्लीज. जीडी. Yes, please. Yes, who is this? Sorry, it's not on the comment. I'm trying to Achha, log Prasanna, in. Prasanna, yeah. Yeah. I'm trying to log in through my mobile, which I'm going to use to sing today. Okay. The Zoom is not opening on that because... You will have to disconnect one connection and go to the other. You can't have two connections. I know, but before I got into this, I tried that, so I'll try that. Okay. Please, but I mean, there should be no problem. There should be no problem. Because it asked me to register again, which I did. Even then, it's not. Maybe because it's a different instrument. Maybe one is an iPhone and the other is a Android. You know, iPhone and Androids don't talk to each other. They are like, you know who. Okay. They don't talk to each other. Okay, so yeah. I'll just try and leave this and rejoin. Please do that. I think your number is 5, so there is enough time. Yeah. Yeah, okay. At least 5 into 4 minutes, 20 minutes, so hai aapke paas. Okay. Zarur aayega, zarur, zarur. Yeah. Thank you, Prasanna. Thanks. Buddy. Yes. Any other kind of doubts or comments or some of the seniors from, seniors meaning not the seniors today, some of the seniors from season 1 who are all so well bonded, particularly in season 1 group, many of them are present here. I would say most of them are present here, and they can also kindly, you know,
चिप इन, गिव सम आइडियाज़, आपका कुछ सुझाव या कोई यानी चिंता यानी कोई भी सुझाव हो सकता है, सजेशंस हो सकता है, या फिर ऐसे ही कुछ क्या बोलते हैं इसको, लाउड थिंकिंग हो सकता है, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड. और एनी डाउट्स एनी ऑफ द अदर्स हु हैव बीन अटेंडिंग दिस सेशन नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. हाँ जी, somebody is already speaking. कौन है सर? सम नॉइज ओनली आई कैन हियर, सॉरी. यस, गुड इवनिंग. कौन है? हु इज स्पीकिंग? आई कांट सी हु इज स्पीकिंग. यस मैडम, हु इज दिस? आप कौन? नहीं, somebody was trying to speak. Okay. Anybody else? Anybody else has any thoughts? See, one thought which I posted today in the WhatsApp group is that एक सर्वे ले सकते हैं हम, यानी सीनियर्स टुडे के थ्रू से हम एक सर्वे ज़रूर कर सकते हैं, यानी इन केस, आई मीन आई एम जस्ट, दिस इज़ नॉट माई विश और एनीथिंग, इन केस सम ऑफ यू फील दैट नहीं मैंने काफ़ी मिस किया है, तो इज़ देयर अनदर सीज़न 3 गोइंग टू स्टार्ट, इन विच केस आई वुड लाइक टू रजिस्टर फ्रॉम द सेशन 1 इटसेल्फ, सो दैट आई कैन अटेंड ऑल द 6 और 7 और 9 और 10 सेशंस, ताकि मुझे पूरा जानकारी हासिल हो सकता है. एंड इट इज़ लाइक सी एक्चुअली दिस सेशंस आर एक्चुअली टू बी कॉल्ड एज ट्यूटोरियल्स. एक्चुअली दीज आर ट्यूटोरियल्स, बिकॉज ट्यूटोरियल में ज्ञान प्राप्त हो सकता है और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हम, है कि नहीं? तो दोनों प्रैक्टिस एंड थियरी कैन बी यू नो एक्सचेंज्ड इन सच सेशन. सो ट्रूली स्पीकिंग ये जो सेशंस हैं हमारे ए टू जेड ऑफ कैरियोके सिंगिंग, दे आर लाइक एक्चुअली दे आर लाइक ट्यूटोरियल्स, ठीक है ना? सो इफ़ एनी ऑफ यू और इफ मैनी ऑफ यू एनी और मैनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, अलग से एक सीजन 3 भी शुरू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी क्लोज दिस सेशन, आई मीन सीजन 2 एज एंड वन इट एंड्स. आई होप हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ एंड वील हैव 12 सेशंस हियर ऑल्सो, विच आई एम रियली थैंक यू, विच आई एम रियली प्रेइंग फॉर एंड होपिंग फॉर, कि यहाँ भी 12 सेशन हो जाए, 8 dozen, ओके, एंड देन इट विल बी अ रियल यू नो कॉन्फिडेंस, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. विश्वास पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं, बहुत जल्दी. गुड. तो देन लेट अस हैव द फर्स्ट सिंगर, सिंस देयर वाज नो क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशन. आई थॉट थोड़ा कुछ यानी रीकैप तो मैंने कर ही दिया था, लेकिन आई थॉट दैट रीकैप इज आल्सो यूजफुल. थैंक यू जॉर्ज थॉमस, थैंक यू शर्मा जी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं अब तो शुरू भी नहीं हुआ. आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो है सब करा हुआ है ऑलरेडी. हाँ सर, कहीं कोई चीज जो है वो चाहिए ही नहीं. अच्छा, सिर्फ अच्छा. अपने अंदर उसको रिपीट करना है और बस. हाँ जी, हाँ जी. आई हैव अ स्मॉल डाउट. यस मैडम, वी आर सिंगिंग इन द व्हाट्सएप. हाँ जी. The orchestra sound is very beautifully heard. Okay. And the singer's voice is very feeble. And it is masked by the orchestra. Correct, or the soundtrack, whatever correct. It is. Correct. And this makes the singing so weak and feeble. Correct. And you're not able to hear, including mine also. Sometimes it happens like that. ये कौन मैडम बात कर रही हैं? पता नहीं इधर चल रहा है मेरे को. लक्ष्मी नहीं, निर्मला नहीं. कौन बात कर रही हैं? I'm not able to see you. कौन? I'm Dr. Jyoti here. अच्छा, डॉक्टर ज्योति. Yes. डॉक्टर ज्योति जेसन. हाँ. So when we are hearing the singers, including myself, right. The orchestra or the soundtrack is very nice, crystal clear. No, no, absolutely. But the singer's voice becomes feeble or drowned in the soundtrack music. In the orchestra, yeah. Yeah. So, it is not highlighted actually. Okay. Now, suppose I give you a demo now, right? Okay. Who is speaking in between somewhere? Some sound is coming up.
suppose I give you a demo now, I'm not saying that, there is some kakar voice coming up. I'm not saying that. Unmute karwa dijiye sab. All of you can kindly mute your audio, please. All of you can mute your audio. That only means that you cannot talk, but you can hear. So, koi problem nahi hoga. Kindly mute your audio, which is extreme bottom left corner. Theek hai na? Now, Dr. Jyoti, you know, we have spoken about this umpteen number of times. We have given demos. We have also... we have also, whenever anybody is singing, we have also given our so-called expert opinion ki kaise kyun aisa ho raha hai karke. And today I am missing my good friend Ravindra Oberoi ji and Vijay Raghavan. I think both of them, somebody has just see the participants and tell me whether they are all present or not. So they are all always chipping in with suggestions to support me. So, Dr. Jyoti, the point is, this has of course been discussed a lot, and there is no one solution for this except that you have to have your audio set up in the real sense of the term, meaning that, I can once again narrate the components. See, there is an instrument or a device on which you are streaming yourself on Zoom, okay? Are you with me? Can you just say yes every time? Dr. Jyoti Jason? No. So this is the problem. This itself is a problem. Dr. Jyoti, hai ki nahi aap? Nahi, Isham ji, aapka mute. She is there, but she has muted. No, muted is fine. Achha, okay, theek hai. Oh, you muted your audio. I'm sorry about that. So Dr. Jyoti, the thing is that, you know, there are these components. One is the instrument or the device on which you are streaming the Zoom. In other words, for example, I am using a laptop on which you are seeing me. There you are, right? That is the laptop, okay? Now, on that laptop, if you also play the track, it will not be heard in Zoom. Okay? So that is the truth, okay? So then that means you have to use a second device, okay? So the second device is the another laptop or an iPad or a mobile on which you will play the track, right? And then there is this mic or input. Some echo, something is happening, okay? No, so there is... So there is a mic, there is a mic here and on which I am singing, so that will carry my voice. So there are two inputs which have to go into one common source. One is your voice and the second is a track. Now what happens is the track invariably will be heard better because you are playing it on a pakka, you know, device and that is being relayed through a speaker or whatever it is, right? But the point is, when both my voice and the music has to go into one source, which is this computer or device on which you are seeing me or the singer, whatever is more dominant will only take the dominance. And that explains why Dr. Jyoti is saying ki most of the time the BGM of the track is going to completely immerse or completely drown my voice, however well or however loudly I sing. That is what she is trying to say. So what happens, madam, is that you will have to have what is called as an audio interface. An audio interface is required so that into that audio interface your voice will go inside, and into that interface the track also will go inside, and both will be synthesized together. Not like this or like this. What the both will be synthesized and then sent to the Zoom. So what you will have to do is you will have to connect the instrument or the device on which you are singing on Zoom. The Zoom jo hai ye jo mera, this is my computer, right? Now my voice and my track is going into my laptop through an audio interface. And therefore, you are able to hear both in a balanced way.
Dr. Jyoti, I'll just give you one small demo. ये रात भीगी भीगी ये मास फिजाए उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा So that's the thing is, madam. So what I am doing is that on one device I am playing the. On one device I am playing the track, and I am using a mic. Now the mic and the track are going into the mixer. Right, into the mixer amplifier, as it is called. From the mixer amplifier, it is going into this audio interface, and from that audio interface only one output is going into the computer on which you are hearing me sing. So this is the setup, sir. Very simple. Simple yane simple nahi hai, lekin in a very simple way I have tried to explain. I will explain again, right? Because a good teacher always uses the principle that what has to be told again. That is the principle of teaching. So I have a device, a separate device, call it iPad, call it mobile phone, call it laptop, on which I am playing the track. Ye raat bhigi bhigi. Theek hai? And then I have this mic, right? Whatever mic it may be, in this case it is called as a condenser mic. So what are the two what are the two inputs? Track and the voice. Bas TV, track and voice TV. Now both this track and voice will go into the mixer. Mixer is a small device which mixes and synthesizes and balances the track and the voice. Right? And from the mixer, ideally speaking, it can go to the two speakers. If I am going to do a show in my house, agar mere ghar pe ek chhota sa baithak ho raha hai aur 10 12 15 20 log aa rahe hain, so then I can connect from the mixer straight to the speakers. Ye jo mere paas do speakers hain waise yahan pe rakha hua hai, but that is dummy. Now dummy, so instead of going from the mixer to the स्पीकर सो दैट ओनली आई विल बी एबल टू हियर इट. अगर मैं स्पीकर में कनेक्ट कर दिया तो ओनली आई विल बी एबल टू हियर. हाँ, आप कुछ सुन सकते हैं, विच इज़ वॉट डॉक्टर ज्योति सेइंग कि आपका म्यूजिक ज़्यादा सुन रहा है, आपका वॉइस सुन नहीं रहा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग फ्रॉम द मिक्सर आउटपुट इन टू द टू स्पीकर्स, आई हैव कनेक्टेड इट इन टू अ स्मॉल ऑडियो इंटरफेस. And from the audio interface, there is only one output. यानी एक ही एक पिन या यूएसबी कुछ जाएगा सीधा ये कंप्यूटर के अंदर, ये वाला कंप्यूटर के अंदर, और आप उसमें मुझे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मेरा गाना भी सुन रहे हैं, मैं जो गा रहा हूँ उसको भी सुन रहे हैं. एंड आई होप कैसा था, बैलेंस था ना? वॉज इट बैलेंस्ड? Anybody? You can unmute and speak. Haan, so Isham Patel ji is showing thumbs up. So, theek hai. So that is fine. So that's what I am trying to say. Yane, I hope this answers to Dr. Jyoti Jason. Now all of you can unmute. I mean, whoever wants to speak, jo baat karna chahenge, jarur unmute kariye. Sharma sir, what is that interface?
ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ठीक है. तो यू कैन डू अ वेब सर्च, यू कैन डू अ इंटरनेट सर्च की या ये ऑडियो इंटरफेस क्या होता है. ये छोटा सा एक डिवाइस है, आई डोंट नो वेदर आई कैन शो इट टू यू, बट बिकॉज आई विल बी अपसेटिंग द ये एक छोटा सा डिवाइस है ये वाला. अभी पूरा तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज इट्स वायर्ड, राइट. आई कैन चेंज द कंप्यूटर एंड देन शो इट यू. हाँ हाँ सर, ये टू आउटपुट या फोर आउटपुट का है? ये टू आउटपुट का है. अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड एज स्कारलेट. इट्स एन इम्पोर्टेड डिवाइस. इन दिस केस इट इज इम्पोर्टेड, यानी इसको बोलते हैं स्कारलेट थर्ड जनरेशन. अभी सेकेंड जनरेशन मेरा है, अभी थर्ड जनरेशन भी आ चुका है. ओनली प्रॉब्लम इज इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, यानी एक्सपेंसिव मीन्स इट इज़ इन द प्लस साइड ऑफ 20,000 रुपीज ओनली दिस ऑडियो इंटरफेस. बट आई कैन गिव यू अ मच लेस एक्सपेंसिव ऑप्शन. आई विल पोस्ट द पिक्चर ऑफ अ लेस एक्सपेंसिव ऑप्शन विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड टू वर्क विथ, ठीक है ना. इट विल सर्व द पर्पज एंड दैट आई विल that image I will put it in the WhatsApp group today or tomorrow. In the meanwhile, आप भी जरा अपना खुद का जो रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है ऑडियो इंटरफेस. यू कैन पुट इन Amazon itself, यू कैन सर्च एज ऑडियो इंटरफेस फॉर रिकॉर्डिंग और फॉर जूम, ऐसा करके आप एक्सप्लेनेशन अगर दे सकते हैं तो देन योर सर्च विल बिकम दैट मच मोर सक्सेसफुल. सर, वन थिंग इज देयर. यस सर. Like I am using a mixer and putting both voice and music track into that and directly connecting that output to the laptop. So huh. Without interface also the result is quite good. No. Connecting to a laptop, how you will connect the mixer to the laptop? Mixer, correct. The, yes. He must be having a sound card then. No, through USB. USB sir. Connection. नहीं, USB कनेक्शन है सर, बट आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर इट विल वर्क. इट इज वर्किंग. आई एम यूजिंग इट फॉर लास्ट 100 एपिसोड्स समवेयर. अच्छा, ओके. हु इज स्पीकिंग? आई एम नॉट एबल टू सी यू. कृष्ण पांडे. हाँ जी. अच्छा, तो आप यानी ये जो अभी जो सेशन है अभी गाने का, उसके बाद आप खुद आ जाइए. यू कैन डू अ डेमो फॉर अस कि कैसे सुनाई देता है. देन दैट मीन्स अपना वो सेटअप मैंने लगाया नहीं आज सर. अच्छा, ठीक है. तो अगले सेशन में आप आ जाइए. हाँ, जैसे हमने ईशान पटेल जी को गए सेशन में इनवाइट किया था और इस सेशन में वो गाने वाले हैं, तो वी आर वेरी जेनरस. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद एनीबॉडी एनीथिंग. तो जो भी आगे आए पीछे आए, वी वुड लाइक टू ऑफर एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म. तो आप जरूर आइए पांडे जी नेक्स्ट सेशन में. तो पहले हो जाए फिर पहला गाना ईशान पटेल जी का, ओपनिंग बैट्समैन. ईशान जी तैयार हैं आप? यस सर, तैयार. इफ यू आर रेडी वी आर रेडी बोलते हैं. माइक का आवाज आ रहा है सर? फर्स्ट क्लास. इको जरा कम कर दीजिए. नॉर्मली वी ऑल टेंड टू कीप द इको लिटिल हाई, पता नहीं क्यों, लेकिन या समटाइम्स. हाँ जी, म्यूजिक का देखना. वाह. Okay, sir. First of all, yeah, I want to thank you, sir, and good evening to you, sir, and to all the singers who are participating in the event. जरूर सर, आपके बारे में दो लव्स बोल देंगे तो अच्छा रहेगा. So that then we get to know you. Yeah, as you know, my name is Ishan Patel. I reside in New Navi Mumbai. I am 69 years old and a retired army person. Wonderful, sir. Salute to you, sir. So fine. I'll start my song. Maybe you'll like it. Let's see. We will all like all these songs. Kya hua tera vaada wo kasam wo irada. क्या हुआ तेरा वादा वो
कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो सनम वो इरादा Okay, so friends, any of you would like to offer your comments? Your comments, observations? I think Patel sahab, thoda sa jo hai, aapko feel ke saath agar gaate to aur achha response aa jata. Right. Okay. Good. Otherwise, aapka jo hai gaana bahut achha tha, bahut sahi tha. Okay. और इसमें जो है कहीं आपका इंटरनेट की भी प्रॉब्लम आ रही थी तो एकदम से स्लो हो जाता था फिर हाँ, हाँ, हो जा रहा वो होता था वो इंटरनेट की प्रॉब्लम थी आप और थोड़ा हाई पिच पे है ये इसके नोट्स थोड़ा सा हाई है तो इसलिए इसको जो है मैच करना भी थोड़ा सा जरूरी ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा सर जो शर्मा जी ने बताया कि आप ऑडियो इंटरफेस से निकालिए एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये बिल्कुल ये उसी से चलेगी उसी से चलेगी और वाईफाई पे तो अपना किसी का कोई यानी कंट्रोल तो नहीं है वैसे बिल्कुल तो पटेल जी एस रमाकांत टंडन जी वाज सेइंग कि समटाइम्स इट वाज गैलपिंग क्या हुआ तेरा यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग बट सम अदर टाइम इट वाज क्या हुआ इट वाज गेटिंग एक्सटेंडेड काइंड ऑफ थिंग तो दैट इज एनीवे ओनली वाईफाई नॉट ड्यू टू ओनली वाईफाई नॉन ऑफ अस कैन डू एनीथिंग अबाउट इट
But sir, just one technical thing I want to point out, which is very important normally, ki jahan pe chorus hota hai, we don't have to sing along with it. Unless in the original, it is sung. In this case, there is no chorus mein, Mohammad Rafi doesn't sing. Theek hai na? Because uske baad jo immediately jo antara aata hai, you have to conserve your breath for that. तो अगर आप पूरा कोरस के साथ गाते रहेंगे तो फटाक से आपको फर्स्ट अंतरा लेना पड़ेगा. तो इट इज ऑल्सो अ चैलेंज, सो दैट इज वाई. एंड सेकेंडली, इट डजेंट लुक गुड. आई मीन द ओरिजिनल ट्रैक में भी जो कोरस दिया गया है, इट्स वेरी गुड, एक्सेलेंट कोरस है, ओरिजिनल कोरस दिया हुआ है उसमें. सो दैट इज वन. द अदर वॉज, आई थॉट इन वन प्लेस यू सेड इंस्टेड ऑफ कसम, आई थॉट यू सेड सनम. यस, राइट, दैट वॉज अ मिस्टेक. Yeah, that's okay. Sorry, and I just happened to observe it. I said, yeah. What is it? So, kya hai na ki, that is where, again, to go back to the recap of my sessions, in the earlier sessions, maybe third session or fourth session, or even fifth session in the season one and two, I have spoken in detail about the importance of keeping the lyrics in front of you. Of course, aap, most of us, हम लोग तो वीडियो कैराओके यूज़ करते हैं तो उसमें तो वर्डिंग्स आ ही जाता है. बट मेनी टाइम्स द वीडियो कैराओके इट्सेल्फ इज रॉन्ग. यानी जो लिरिक्स जो वो लोग सप्लाई करते हैं, यानी उसमें जो एम्बेड करते हैं, वो ठीक से नहीं कर पाते. एंड देन समटाइम्स देर आर मिस्टेक्स. सो आई हैव गिवन माई ओन फीडबैक इन देयर वेबसाइट ऑल्सो कि साहब इसको, ये ट्रैक तो बढ़िया है लेकिन इसमें सेकेंड अंतरे में वो जो वर्डिंग्स है वो गलत है वगैरह वगैरह. आई हैव गिवन फीडबैक टू देम, टू देयर ओन ट्रैक्स ऑल्सो. तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज पीपल ऑल ऑफ अस आर इतना जो लिरिक्स अपने दिमाग में बैठा हुआ कि वन स्मॉल मिस्टेक एंड वी कैन पॉइंट इट आउट काइंड ऑफ थिंग. सॉरी अबाउट दैट, बट दैट इज इम्पोर्टेंट. दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट. वेरी वेल सांग, बट यू आर इन कंट्रोल, दैट इज वेरी ऑब्वियस. आप तो पूरे कंट्रोल में हो, बट लाइक रमाकांत जी सेड, अगर थोड़ा सा और फील ला सकते तो अच्छा रहता, बिकॉज क्या इट्स ऑल्सो अ सैड सॉन्ग इन अ वे. सो तो वो जो फीलिंग जो है वो लेके आना पड़ता है. आई थॉट उषा जेकब हैड रेज्ड हर हैंड, बट नाउ आई एम नॉट एबल टू सी इट. या एक्चुअली आई मिस्टर टंडन टोल्ड व्हाट आई हैड टू से, सो आई थॉट आई लो. श्योर श्योर, वी ऑल थिंक अलाइक ना. हां, या गुड गुड, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर. व्हाट वाज योर रैंक सर, सो केयर, सो दैट वी कैन कॉल यू जनरल साहब और ब्रिगेडियर साहब. एक्चुअली आई वर्क फॉर 20 इयर्स इन ओमान आर्मी. Not in Indian Army. Oman Army. Army. Achha. Yeah. Indian Achha. Army had been there in 75, but then I could not join them. Oh, I see. Okay. So after that, I had an opportunity in after Gulf War Achha. To go to Oman. Oh, and wow. There I served for 20 years. Achha, sir. Very good. Very good. Yeah. Very good. So, uniform person. So how did they refer there to you in Oman, sir? There I worked as a hygiene technician. Because they take some expatriates which are like professional technicians. Oh, correct. Technical people. Technical side in the army, right? Yeah. Right. So they. But I was wearing a uniform, so that was a proud moment for me. Of course, of course, of course, sir. It's always very proud moment. That's why Vardhi aate hi jo hai. Vardhi, haan, sir. Vardhi, sachmuch, sir. Sachmuch. मेरे को इंसिडेंटली जस्ट अ स्मॉल मेरे को आई एम एबल टू रिलेट, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ. रिसेंटली कोविड के टाइम पे आई हैड बीन टू ऊटी, जहाँ पे काफ़ी यानी इंडियन आर्मी का भी वहाँ पे है वैसे एस्टेब्लिशमेंट, तो वेलिंगटन दिस थिंग. तो मुझे एक फिल्म शूटिंग के लिए बुलाया गया था, एंड आई वॉज गिवन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र सिंह. And I was given an army uniform. Pata nahi, I had to just wear it for the shooting. But I don't know when I wore that uniform, what happened, pata nahi mere ko. I mean, it gave me a completely different feel, actually. Ki mujhe laga ki main kuch kar raha hu India ke liye ya apne desh ke liye wagera. It's a inexplicable sentiment and emotion, actually. एंड वर्दी काफी कुछ कर सकता है सर, वर्दी काफी बहुत जबरदस्त फीलिंग होती है. बहुत 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू, थैंक यू. आर्मी के लोग भी बहुत अच्छे गाते हैं सर. हाँ सर, आर्मी में आर्मी के लोग भी बहुत भावुक होते हैं और अच्छे गाते हैं. बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं. हजारी फैमिली से दूर रहते थे सर, तो हाँ ज्यादा वो इनका ये रहता है. अभी आज लेफ्टिनेंट कर्नल रामैया साहब नहीं है बेंगलोर से, आई थिंक, आई हैव नॉट सीन हिम. तो अगर वो होते तो कुछ तो बताते ही वो लोग, ठीक है ना. ओके, सो हु इज द नेक्स्ट सिंगर?
आई वॉन्टेड यू टू वॉलंटियर. तो कौन है नेक्स्ट? त्रिलोकीनाथ दुबे जी. हाँ सर, आइए आइए सर. त्रिलोकीनाथ दुबे, I'm going to sing a song. One second. चांद आहे भरेगा फूल, चांद आहे भरेगा. वाह वाह वाह, फूल दिल थाम लेंगे. वंडरफुल सर, गाइए सर. लवली सॉन्ग, लवली सॉन्ग, ब्यूटीफुल सर. उसके पहले आपके बारे में जरा दो तीन. आई एम टी एन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन. अरे वाह, ये तो आर्मी का अगला नेक्स्ट डिपार्टमेंट हो गया ये. हाँ सर. मैं एक्चुअली रावत भाटा का आपने नाम सुना होगा, कोटा के पास जो प्लांट्स हैं, दैट इज सिटी जो प्लांट्स. अच्छा, कॉल्ड राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, आरएपीपी. करेक्ट, आरएपीपी. आई वाज चीफ ऑफ दैट. वाओ सर, आपको भी सलाम, आपको भी सैल्यूट. वाह वाह, किया मैंने उनको कमीशन. अच्छा, किया कमीशन किया और उन्होंने मुझे दिया. एंड बाय द वे दो जो है ब्रेकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड. सो आई एम सो कनेक्टेड विद द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ कंटीन्यूअस ऑपरेशन. अच्छा, लेटर ऑन दे ऑपरेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओह वंडरफुल सर, वंडरफुल. सो आई एम माय इंटरनेशनली आल्सो आई गॉट कनेक्टेड लाइक दैट. अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आरएपीपी का जो प्लांट है वो लार्सन एंड टुब्रो ने बिल्ड किया होगा? नहीं, मेनी कंपनीज. लार्सन टुब्रो इज वन ऑफ देम. One of them. And other like. So I am also from that one company, sir. Is it so? Larsen & Toubro. Larsen & Toubro. हम लोग जो है, अब मैं आपको instantly बताने ही जाऊंगा. हाँ सर. हम लोग atomic energy में we are dealing with the highest technology and actually हमारे इन पर दूसरे industries नहीं कर पाते को. नहीं कर पाते. One industry. हाँ सर. Larsen & Toubro. There are one some more of Sylvan. नहीं नहीं. Larsen & Toubro. We also salute. क्या हम also salute. अगर आगे है तो वो है. हमको बल्कि उल्टा बता दी. सचमुच सचमुच. तो हम सोच रहे हैं कि हम इंडस्ट्रीज को ला रहे हैं ऊपर अपने लिए. इंडिया की जो कोप अप कर सके हमारी रिक्वायरमेंट. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. राइट नाउ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. नहीं सचमुच, एज स्मिता अहिरकर इज राइटिंग कि हमारे ग्रुप में देखिए ना कैसे कैसे लोग हैं. इज़न्ट इट व्हाट अ वैरायटी. एंड पहुंचे हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है ना. ऑल ऑफ देम आर ऑल वेल अचीव्ड, ऑल ऑफ देम हैड पोजीशंस इन इंडस्ट्री, इन बिजनेस. तो इतना अच्छा लगता है कि हमारा जो है, दो वी आर डिफरेंट, यानी अलग अलग तो हैं ही, लेकिन हमारे पास ये जो कॉमन थ्रेड जो है वो म्यूजिक का है. Yeah. है कि नहीं? व्हाट अ नाइस फीलिंग, व्हाट अ नाइस फीलिंग. रिटायरमेंट होने के बाद ऑल आर इक्वल. All are equal, sir. जिसका दिल बड़ा है वही सब वही बड़ा. बस, बस, मेरा ये जिंदगी का मेरा थीम है, जिसका दिल बड़ा है वही. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. Absolutely, agreed. चलिए सर. साहिल सिंह. चलो शुरू हो जाओ सर. वाह. चांद आहे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे. चांद आहे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे. हुस्न की बात कली को सब तेरा नाम ले. चांद आहे भरेगा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा. जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा. कैसे फिर चैन सुखी तेरे बदनाम लेंगे. कैसे फिर चैन
दिन तेरे बदनाम लेंगे कुछ की बात ली तो सब तेरा नाम लेंगे चांद आंखें भरेगा नाजुक सी कलियां बातें निसरी की डलियां हाथ गंगा के साहिल दूसरे जन्नत की गलियां तेरी खातिर फर्श सर पे इल्जाम लेंगे तेरी खातिर फर्श सर पे इल्जाम लेंगे उसने की बात चली को सब तेरा नाम लेंगे चांद आंखें भरेगा सर पूरा गाना गा सकते थे सर नहीं मैंने ट्रैक जानबूझ के कि ये कम रहे तो मैंने ट्रैक को ही कम कर दिया था अच्छा 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 सर आपका जो वॉइस है वो मुकेश जी के गानों से इतना मिलता जुलता है कि यू शुड कंटिन्यू टू सिंग मुकेश सॉन्ग्स नॉट दैट यू कैन नॉट सिंग अदर सॉन्ग्स बट आप जो फील जो देते हैं और जैसे आपने वो ये ना छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं उसको नुएंसेस ठीक से किया आपने जैसे यू नो वेरी वेरी नाइस वेरी नाइस सर वेरी वेल सॉन्ग आपका जो सेटअप है उसके बारे में जरा बताइए कि हमने इतना टेक्निकल बात किया आपने तो सिंपली कर दिया सर नहीं मेरा जो सेटअप है वो आई हैव गॉट ए सिंपल 7-8 हज़ार का एक मेरे पास स्पीकर कम एम्पलीफायर कम सब उसी में होता है आजकल जो मिलते हैं हाँ. बहुत सस्ता वाला टकारा कंपनी का मैं लेके आया टकारा करेक्ट ओके उसी के साथ में मेरे को माइक भी दिया उन्होंने अच्छा दो माइक दिया कि अगर दोल को गाना हो मैं okay. तो एक माइक तो वो एक माइक है और वो टकारा कंपनी का ये है इसके अलावा कुछ नहीं है हाँ. तो मैं ये माइक से गा लेता हूँ ठीक है और उसमें जो है उसको ब्लूटूथ से मैं अपना जो मोबाइल है उससे हाँ. ब्लूटूथ से मैंने उसको कनेक्ट ब्लूटूथ से पेयर कर दिया है तो ब्लूटूथ में आप वो ट्रैक प्ले कर रहे हैं और हाँ. वो टकारा जो स्पीकर कम एम्पलीफायर है उसमें प्ले कर रहा है लेकिन हाँ लेकिन ये जो जूम किस में है भैया अभी ये जूम का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जूम का जूम तो मेरा लैपटॉप में है लैपटॉप में मैंने अपना जूम किया है और ये जो मोबाइल है उसमें मैं अपना गाने का ट्रैक रखा है नहीं वो तो समझ गया तो द लैपटॉप इज पिकिंग अप द लैपटॉप इज पिकिंग अप बोथ मिस्टर यू नो हिज वॉइस एज वेल एज द बिकॉज अगेन सी द पॉइंट इज अभी आप देखिए जरा अभी नाउ दिस मैं एक मिनट जस्ट आधा मिनट बता दूं एक्चुअली मेरा जो दो चीजें आपने बताई थी तो जो मिक्सर हो तो इसी में हो गया और स्पीकर हो गया स्पीकर एक्चुअली आवाज जा रहा है एक्सटर्नली वो जो आपने दूसरा बताया दैट इज ऑडियो इंटरफेस इंटरफेस वो नहीं होने से वो उसमें इंटरनली नहीं जा रहा इट इज गोइंग एक्सटर्नली अभी एक्सटर्नली एक प्रॉब्लम है स्पीकर का तो आवाज उसमें आ रहा है लेकिन हाँ. अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं हाँ. तो वो भी जा रहा है तो हमको थोड़ा दूर उससे रहना पड़ेगा रहना पड़ता है हमको सिर्फ स्पीकर से माइक से देना है और अगर हम भी उसके पास आ जाएंगे वो हमारा आवाज पिकअप करेगा तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो इंटरनली नहीं कर पा रहा हूँ तो दैट इज व्हाट आई एम आल्सो लुकिंग फॉर कि मैं इंटरनली सो जस्ट फॉर अदर पीपल आप वैसे ठहर जाइए दुबे जी वेरी नाइस जस्ट टू एक्सप्लेन द सिस्टम अगेन लाइक बेस्ड ऑन व्हाट आई सेड अर्लियर दैट वाज लेट अस से ऑल्टरनेट नंबर वन यानी ऑप्शन नंबर दो जो है मिस्टर दुबे कर रहे हैं एंड दैट इज दैट ही हैज गॉट एन इंटेग्रेटेड मिक्सर कम स्पीकर ओके इंटेग्रेटेड मिक्सर एम्पलीफायर कम स्पीकर हाँ टकारा सर आप एक काम कर सकते हैं सर उसका जो फोटोग्राफ आप यानी 2-3 एंगल से लीजिए और उसका जो लेबल होगा मॉडल नंबर जहाँ पे लिखा है उसका भी अगर आप फोटो लेके अगर आप ये ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो काफी लोगों को ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ठीक है ना मैं करूंगा ही उससे पहले मैं इसको इतना हैंडी है ये सो हैंडी जरा दिखाइए ये देखिए जरा सी जस्ट वन डब्बा इज डूइंग एवरीथिंग बॉस वन डब्बा इज देयर ये इसमें हाँ ये है टकारा एंड ब्रांड नंबर
ऐसे पकड़े, हाँ ठीक है ओके, ऐसे पकड़िए सर, एक मिनट, ऐसे ऐसे जरा क्लोज पकड़िए, एक मिनट, मॉडल T8106 स्मॉल ए वूफर, हाँ, सो इट इज ऑफ कोर्स मेड इन चाइना, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, इट्स ओके, व्हाट टू डू, ओके, आपको याद होगा मेरा भी जो है का ज़ूक वाला मैंने आपको दिखाया था, हाँ ज़ूक वाला, ये बताऊंगा ये है अपना सर, वन मिनट, हाँ साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, एक मिनट एक मिनट सर, आप जरा और पास आइए ना, और करीब आइए, हाँ हाँ दिखाइए, ये है म्यूजिक वॉल्यूम, ठीक है, ये है ट्रेबल, ट्रेबल, ये है बास, बास, और ये है इको, और ये है मेरा वॉइस, माय वॉइस, माइक, माय वॉइस, माइक वॉइस, द इको, द ट्रेबल, ट्रेबल, बास, नो दिस इज बास, दिस इज ट्रेबल, एंड देन म्यूजिक, पूरा म्यूजिक, ठीक है, सो सी यू हैव एवरीथिंग, it's a very amateur friendly kind of a setup, the brand is takara, takara, right, to takkar wala cheez hai wo lagta hai mere ko, so takara aap yaad kar sakte ho, theek hai, I purchased it from Pune for only 5500 rupees only, ha nahi sir wo online mein mil jata hai sir. abhi 7000 hoga to shayad nahi hoga, nahi wo kam bhi ho sakta hai, because kya ho gaya na ki electronics prices have come down, and generally there are some sale, yani 20-25% ka to discount bhi mil jata hai kabhi kabhi, theek hai na, so sir, this is a good system, agar aap guide kar sake isme travel of bass jo hai uska use kaise karna hoga wo agar sabko bata de to better ho, वैसे एक चीज मैं पूछूं कि मेरा जब गा रहा था तो दोनों का जो मिक्सिंग आ रहा था मेरे वॉइस का, वो कैसा था, मतलब ठीक था क्या? हाँ ठीक था, हाँ वो ठीक था, मैं शर्मा जी आपसे कह रहा हूँ कि अगर हाँ, आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें सर, ऐसा है, ऐसा है, बास का जो सेटिंग है ना, बास का जो नॉब है, इट मेक्स योर वॉइस गो फ्लैट, एंड ट्रेबल का जो नॉब है, इट मेक्स योर वॉइस गो शार्प, समझ गया ना टंडन जी? यस यस यस, हाँ, तो क्या होता है कि कोई कोई, यानी इट डिपेंड्स ऑन द ट्रैक, इट डिपेंड्स ऑन योर वॉइस, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस इन दैट पर्टिकुलर डे, ऐसा भी हो सकता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ट्रैक वॉल्यूम एंड थिंग्स लाइक दैट, तो अगर आपको जरा शार्पनेस चाहिए है कि नहीं, एंड सो देन यू हैव टू इंक्रीज द ट्रेबल, बिकॉज ट्रेबल डील्स विथ हायर फ्रीक्वेंसी नोट्स, and bass deals with lower frequency notes, ठीक है, तो अगर आप यानी normally bass and treble को mid point में balance करके रखना ठीक रहेगा, correct, यानी it depends कि अगर कोई यानी किशोर कुमार का गाना हो सकता है, या फिर you know maybe I don't know, I'm just saying कुमार शानू का voice हो सकता है, song हो सकता है, तो you want to sound a little sharper, तो then उसको जरा treble को एक या दो point बास से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, आई थिंक रविंद्र ओबेरॉय हैज कम, नहीं शंकर इज ओनली देयर, शंकर इज आल्सो यूजिंग दैट सेम टकारा सिस्टम, अच्छा हु इज दैट, थैंक यू सर, अच्छा पटेल जी, अच्छा ईशान पटेल जी इज आल्सो यूजिंग टकारा ओनली, चलिए चलो ठीक है, अभी टकारा, दिस वन इज द बेसिक वन, वेरी गुड, वेरी गुड, विद इट्स ओनली थ्री बटन्स लाइक, अच्छा वॉल्यूम, इको एंड माइक ऑन, ठीक है, तो आपका यानी दुबे जी का हो सकता है कि दो या सेटिंग, दो तीन सेटिंग्स ज़्यादा हो सकता है, बट इट सीम्स टू बी वेरी वेरी सेल्फ सफिशिएंट, एंड आई कैन टेल यू दैट द टकारा सेट इज मोर देन इनफ टू एंटरटेन 30-40 पीपल इन योर हाउस। सर एक बात बोलना चाहता था दुबे जी के बारे में, हाँ सर, वर्ड इल्जाम, हाँ you have to just little haan, bit it is not iljam, ha theek hai, oh that is yes correct absolutely right, yani that's what, see again this also we have covered, yani humne kya cover nahi kiya hai aisa bol sakte hain, we have covered pronunciation, we have covered diction, we have covered the importance of using kh like you know jaise hum bolte hain na aapki haseen rukh, आपके हसीन रुख, तो ये ख यहाँ से आना चाहिए, तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वो तो आई मीन इट इज़ बेटर टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि देर आर कनॉइजर्स इन एवरी ग्रुप, वो ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, और क्रिटिक्स भी हो सकते हैं, तो ईशान पटेल जी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ज़रा आगे पीछे एक या दो लफ्ज़ें जो हैं उसको आपको जरा ये करना पड़ेगा, बट अदरवाइज वंडरफुल सिंगिंग सर, यानी इतना आपने स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है आप अभी नाउ, अभी दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, एनी अदर कमेंट्स, एनी अदर ऑब्जर्वेशंस, हाँ जी राजेश सिन्हा जी अनम्यूट करके बात करिए सर, हाँ
Am I audible, sir? Very much, sir. Very much. Very much. Actually, this song I have also been singing for many years. For us, first line में हमें हम जो गाते हैं साहब ने जो गाया है चल हम व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे वो जो पहला है चांद आए बड़े चांद आ तो चांद को थोड़ा सा ये चांद आए भरे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया था वो थोड़ा सा अदरवाइज वेरी गुड वेरी गुड. यानी आप लोग लाइन बाय लाइन अभी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए हैं विच इज वेरी गुड. यानी इतना जो क्या बोलते हैं उसको फाइनल डिटेल्स जो देख रहे हैं आप लोग दैट्स फैंटास्टिक दैट्स रियली फैंटास्टिक वेरी गुड राजेश सिन्हा जी वेरी गुड कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड एवरीबॉडी कि एक एक लाइन को देखना पड़ता है एंड अगर आप 20-25 बार अगर सुनेंगे तो जरूर ये सब ध्यान में आएगा ही जरूर आएगा. वेरी गुड थैंक यू दुबे जी. हु इज द नेक्स्ट. गुड इवनिंग सर. आई एम गुड इवनिंग सर. आई एम आपका इको जरा कम करिए दो दो गुड इवनिंग हो गए हैं ठीक है ना शर्मा जी. हाँ सर. हाँ मैडम. हेलो. ओके उषा जेकब इज नाउ सिटिंग इन कश्मीर वैली बिकॉज विद दाल लेक इन आवर बैकग्राउंड सो दैट इज व्हाट वर्चुअल बैकग्राउंड्स कैन डू. मे बी शी इज सिटिंग इन बैंगलोर ओनली तो अगर आप उनको देखें तो काफी कलरफुल पर्सनालिटी है. दिस इज नॉट कश्मीर दिस इज कोडाइकनाल लेक. अच्छा इट्स अ रियल लेक यानी इट्स नॉट वर्चुअल बैकग्राउंड. तो मैं वही बताया ना था आपको वही मैंने अनाउंस किया था अभी आप सुने नहीं. मैं बोल रहा था कि वो बैंगलोर में बैठी हैं लेकिन बैकग्राउंड में कश्मीर का दाल लेक दिख रहा है. सो दैट इज व्हाट वर्चुअल बैकग्राउंड. किसने पूछा था मधु जी और somebody राइट. सो दैट इज यू कैन लर्न फ्रॉम उषा जेकब जी. तो क्या है ये वर्चुअल बैकग्राउंड में एक डिफिकल्टी हो सकती है कि उषा व्हाई डोंट यू जस्ट स्विंग लाइक मी जस्ट डू लाइक दैट. तो उनका जो बाल है वो ठीक से आपको दिखाई नहीं देगा. यानी देखिए कैसे जा रहा है. यानी इट इज लिटिल स्कैरी ना थोड़ा डर भी लगता है कि कोई ये भूत होगी या भूत नहीं होगी करके. तो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विथ वर्चुअल बैकग्राउंड. आदमी को भूत बना देता है वो बस दैट इज द ओनली थिंग बस और कुछ नहीं. ठीक है ना. गुड ओके. सो त्रिलोकीनाथ दुबे जी थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. उषा जी थैंक यू. यू आर सेइंग समथिंग और यू वॉन्ट टू जस्ट ओनली अपियर बिफोर दाल लेक. सी दैट्स बिकॉज यू वेंट टू दाल लेक मेंटली एंड यू फॉरगॉट. Yeah. ठीक है तो जब याद आए तो बता देना मेरे को. ओके हु इज द थर्ड पर्सन. सी उषा जी ऑल ऑफ अस आर सो क्लोज दैट नन ऑफ अस नोबडी विल मिस्टेक. यानी हम लोग इतना लिबर्टी ले सकते हैं एक दूसरे से कि पूछो मत. वी आर लाइक एक्चुअली वी आर मोर देन फ्रेंड्स. ओके ऑल ऑफ अस आर मोर देन. हाँ वेंकटेश शर्मा जी. शर्मा हाँ वेंकटेश शर्मा हैं आ रहे ना वेंकटेश शर्मा. ज़ूम ने मीटिंग चल रही है. हाँ जी बसपन यहाँ पे है सर. हाँ तो आइए आइए सर. हाँ मैं भी ये मुकेश का गाना गा रहा हूँ सफर में से. सर आप सब मुकेश का गाना ही गाइए सर. हमको सब मुकेश का गाना बहुत पसंद है. ठीक है ना. तो कहाँ है कहाँ आप. आई एम ट्राइंग टू लोकेट यू. यस वेंकटेश शर्मा दैट्स राइट. आइए सर. शर्मा और शर्मा का अभी स्क्रीन चल रहा है अभी. चलो I'm KV Sharma from Hyderabad, sir. Hyderabad, excellent, sir. I'm also retired from private service. Okay. Very nice, sir. Kahan pe you have been working for what kind of industry or something? I was working for a room heating electro panels. Electro panels, acha. 100% export oriented. Acha, 100% export oriented. Very good, excellent. You are an engineer, sir? You are a technical person? No, I was working for administrative side. Administrative side. Okay, sir. Office. Very nice, very nice. Please. Coordinating with, yeah. Please, carry on. Kindly let me know the sound, whether it is... Yeah, your voice is audible as you are speaking. Just play the track, I will tell you. I'll show you thumbs up, then that means it's fine. Got it. Not very clear, but yes. I can't see the... सिंगर ऑन माई स्क्रीन. अभी मैं क्या करूँ मैडम.
All of you can see Venkatesh Sharma in the center screen? No. Are? No, no. No, okay. No, then I will remove him. Music भी नहीं आ रही है. हाँ, music तो सुनाई देना ही पड़ेगा. नहीं, आवाज सुनाई दे रही थी. आवाज सुनाई दे रही है, music नहीं है. Now you can see him in center screen? No. No, no. No. थोड़ा lag हो सकता है, but ठीक है. Anyway, let him be in the center screen. म्यूजिक इज ऑडिबल. म्यूजिक इज ऑडिबल. यस सर, प्लीज सिंग. पिक्चर नहीं आ रही है. हाँ, नहीं. वाह, तो पसंद वही कहेंगे. वाह, जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे. जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे. तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे. जो तुमको वो पसंद वही
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शर्मा जी, वंडरफुल वंडरफुल। एक एक चीज का ख्याल रखा इन्होंने मुकेश जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, छोटे छोटे जो है ना वो जो लो नोट है कहाँ हाई नोट्स है सब बिल्कुल वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी वेल सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे टंडन जी जैसे आपने कहा था, देखिए ना अभी लाइक फॉर एग्जांपल शर्मा जी, लाइक अपनी जुबान से आपको, अपनी जुबान से आपको, द थर्ड अपनी को आप ध्यान रखिए, अपनी जुबान को बे आपको वट एवर यू नो, सो दिट इज सो गुड एंड यू हैव टेकन केयर ऑफ दोस गैप्स ऑल्सो, दोस काइंड्स ऑफ से उसी एक लाइन हाँ, वो जो क्या बोलते हैं उसको स्मॉल स्मॉल जो पॉजेस जो देते हैं ना, जो रुकावट जैसे, इट्स लाइक अ स्मॉल गैप विच इज प्रोवाइडेड बाई मुकेश जी, वंडरफुल, वेरी नाइस शर्मा जी। सो यू आर ऑलवेज, यू आर ऑलवेज बीन सिंगिंग? यस सर। Okay. College days I'm singing and. Okay, so you are in Hyderabad, is it? Yes. Okay, so there is C.S. Shankar in Hyderabad, there is N. Vijayaraghavan in Hyderabad, and then there is Ramesh Chattanadhan who is now going to sing next. He is also in Hyderabad. So I think you all should gather together, like I helped them to gather in Bangalore. So we have a small A to Z group Bangalore, जैसे companies जैसे बनते हैं ना, A to Z Bangalore Limited, है कि नहीं? A to Z All India Limited. तो ऐसा आप A to Z हैदराबाद भी बना सकते हैं, मैं भी आ जाता हूँ वहाँ पे, उसमें क्या है, we can do a small program there, all of us together, right? तो please try to take some initiatives. Mr. Shankar is a very enthusiastic person. I'm sure Shankar is here, I think so. So he will also possibly. Very much, Mr. Sharma. Yes, A to Z Hyderabad Limited will be the first one to be there. Sir, I am waiting for Lucknow also. Ha, A to Z Lucknow, A to Z Ahmedabad, A to Z Mumbai, A to Z Mumbai में अभी वाशी में एक हो सकता है, थाने में एक हो सकता है, बताने, ओल्ड मुंबई, न्यू मुंबई, नवी मुंबई एंड ऑल दैट, तो ऐसा होना चाहिए. What I am saying is, who knows, we may be creating a huge revolution of a kind, ना? कि ऐसा एक A to Z शुरू हुआ था, वो Zoom में करते थे, लेकिन आजकल they are present everywhere, I mean they are, you know, तो इतना it will be such a different क्या बोलते हैं उसको, it will be a revolution of sorts. So I am so happy everybody is taking interest in that. Thank you Sharma ji. Sir, wonderful. Sir, you have received lot of appreciation. Yes, please. Sir, I can take a leave, sir. I have to attend a birthday party. Oh, please. Our, sir, please. Our this thing in our area, our corporator, he celebrates all senior people's birthday on the last day of the month. Acha, acha. Oh, achha, achha. So there is a birthday party, so I'll be going there. So I'm sure you're going to sing a couple of songs. Yes. Happy birthday. Happy birthday to you. You to prepare kiya hoga. Wo to hai hi sir. Wo to hai hi. Hmm. So okay, very fine nice. Sir. Good all night best, everybody. All the best. Fine. All thank the best. You very much, sir. Thank you. Thank you. Acha. So then we'll have Mr. Ramesh Chattanadhan. I think he gave me a message saying that somebody passed away. I hope, in which case I will request Mr. Prasanna Rao to stand by and get ready, because I think Mr. Ramesh Chattanadhan, he's not there. No, I think he gave me a message. I don't want to say the wrong thing, so I thought it was about some, I think so. It's okay. So Mr. Ramesh Chattanadhan is not there, so then automatically the mantle falls on Mr. Prasanna Rao. So let me first bring him in the center screen. Prasanna Rao is here. Yes. Yes, Prasanna, you can unmute yourself both visually and mic also. Yeah. Hello. Yes, please. Aapka video video jara on kar dijiye. Prasanna? Yeah, put on the video. Not yet. Okay. Haan, yes, there you are. Okay. Normally, we ask the individual to say a few words about himself, yeah. But... Can you give me just 2 minutes, 1 second? Because I was just thinking I have... No, I'm only going to talk about you. I'm not going to let you sing now. Don't worry. Okay. Haan.
So, Mr. Prasanna Rao happens to be my classmate. तो हमने साथ में मास्टर्स डिग्री किया था, मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो उस ज़माने में इट वॉज कॉल्ड पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. तो हम दोनों ने साथ में दो साल पढ़ाई किया एट दी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन मुंबई. तो प्रसन्ना बिकेम अ फैमिली फ्रेंड ऑल्सो, बिकॉज मैं बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था मैं बॉम्बे में घाटकोपर में. So then Prasanna used to come home, he became a family friend, he knows my elder brother and their family, etc. And Prasanna has worked in top shot companies. He used to work for Hindustan Lever, he has worked for Citibank, he has worked for Shapurji Palonji Group. They just lost their chairman yesterday or day before yesterday, a grand old man who was also considered to be the doyen of industry in Mumbai. So Prasanna has worked in very big companies, and I had the pleasure of knowing him as a co-student. But uske baad humne 40 saal saath mein kya bolte hain usko, we used to be in touch, and suddenly he told me that I want to sing, I am a great fan of Kishore Kumar, to humko to gana hi hai, to hum saath mein kuch travel bhi karenge. He wants me to take him to the birthplace of Kishoreji, Kishorda, at Khandwa in Madhya Pradesh. So I'll be visiting that place second time. So first time when I went, he said, how unfair of you, how did you go alone? Mujhe bhi saath leke jaate to achha hota, etc, etc. Big bus kit. Give the bus kit. Yeah. So that is how, that is Prasanna. He lives in Santa Cruz. Sharma, or Andheri, sir? Maybe. Haan ji. Yes, please. Who is speaking? This is the best time to visit Mandu, very close to Mandu. Mumbai. Yeah, it's a hill station, right? Rainy season is fantastic. So, acha, both things can be done. Okay, Mishra ji, aap baat kar rahe hain. Very good. Yes, yes, sir. Acha. Mandu to ja hi sakte hain, sir, but Khandwa is the first. Nahi, Khandwa Mandu first bagal hai, sir. Haan, bagal mein hai. Correct. So, we are planning to do that in October. So if any of us would like to join, we can all go together also. It can make it into a memorable trip. Yes, Prasanna, so over to you. Hi, I think, thanks, GD. He has introduced all my different capacities in which, you know, I've been associated with him. Correct. But I will also have nothing much to add but to say. But in the world of music, he's just my guru. Arre. And, if I have graduated from a bathroom singer stage, to be able to sing today on Zoom to an audience or occasionally on the stage, a lot of credit to him for his candid feedback. I think that's the thing. And if one has humility, learning is the key. And thanks to him that he has been very instrumental in giving me candid feedback, told me what songs to take. Others don't even attempt. Thank you, Prasanna. That's kind of you to say that. Yeah. Chalo, shuru ho jao. He was referring to which song I was choosing, and I finally decided to go with my song which I used to sing as a child. Very Besura, but it has been my favorite. So I'll be singing this one. Ye Mera Prem Patra. From the movie Sangam. Okay. Is my voice clear? Is everything okay? Yeah, very nice. Very clear. Very clear, Prasanna. Please go ahead. Prasanna, one suggestion, put off the fan. Sorry? Put off the fan. Always remember to do that. Especially when you're singing. Yeah. Thank you. No, I think you put it on again, I think. Yeah. Thank you.
या दिल रुबा हैरान हो के इस खत पे याद ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी Is the music audible? तुझे मैं चांद कहता था मगर तुझे मैं चांद कहता था मगर तुझे सूरज में कहता था मगर कुछ मेरी भी आग तुझे कि मुझे तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो तुझे गंगा में समझूंगा तुझे जमुना में समझूंगा तुझे गंगा में समझूंगा तुझे जमुना में समझूंगा तू दिल के पास है इतनी तुझे अपना मैं समझूंगा अगर मर जाऊं रूह भटके भी तेरे इंतजार में इंतजार में इंतजार में ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो यस हजारे जी आप कुछ कहना चाहेंगे आई थॉट यू मेड अ रिमार्क एक्चुअली उनका आवाज और ये साउंड बराबर नहीं आ रहा था साथ में नहीं आ रहा था ना साथ में नहीं आ रहा नहीं आ रहा और गाना भी इतना नहीं ऐसा ट्यून में से नहीं गा रहे थे वो ऐसा ओके तो उसमें यू हैव टू गो इट इज लाइक रनिंग विद द ट्रेन अगेन सेम एग्जाम्पल तो दैट पार्ट हैज टू बी ब्रिस्क एक्चुअली ब्रिस्क I think that is the correct word. Because each antara, when you have to take off,
तुझे मैं, सो द मोमेंट तुझे मैं चांद कहता था हैज टू एट दैट ताल इट हैज टू बी टेकन, नहीं तो देर विल बी गैप. सो आई थिंक दैट वॉज हैपनिंग इधर इन वन और टू अंतराज, बट फर्स्ट वन आई थिंक यू टुक ऑफ करेक्टली. सो अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टैमिना, सब कुछ इसमें आ जाता है. गाने में क्या क्या है, स्टैमिना देखना पड़ता है, ब्रेथ कंट्रोल देखना पड़ता है. एंड जस्ट बिकॉज यू डिड दैट आई एम जस्ट पॉइंटिंग इट आउट, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बट आई हैव सेड दिस अर्लियर ऑल्सो, गाने के बीच में पानी पीना इज डेंजरस. वाइल इट इज रिक्वायर्ड, इट मे बी एसेंशियल. सपोज यू टेक अ स्लाइटली बिगर माउथफुल एंड वो अगर अटक जाता है, एंड इन आफ्टर वी आर 60 ये प्रॉब्लम तो होता ही होगा आप लोगों में. सो दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग बिकॉज इफ इट गोज थ्रू द रॉन्ग यू नो ट्रैक देन यू विल मिस दिस ट्रैक, इजंट इट. तो अगर पानी गलत ट्रैक में गया तो आपका ये जो ट्रैक है वो भी मिस हो जाएगा. तो आई मीन इन अ लाइटर वे आई एम जस्ट सेइंग इट. You were all right because I think you took a small sip of water, so it was comfortable. No, actually, I was having a bit of a cough, so my throat was worrying me. When I took two mates also, I was just gargling with hot water and all that. Correct. So what we are always told by other senior and more experienced singers is that between songs, zarur peena chahiye. You should take ek ya do ghoont jo hai, paani to peena hi chahiye, so that you are just clearing your, the channel basically. Theek hai na? So that was one. Otherwise, it was good, Prasanna. I'm just saying because your voice sounded well, especially that taking off of each antara, tujhe main chand kehta tha, etc. Your voice was sounding also good. So it is just a question of practice. How was the practice? But the track was not audible like in the first two, three cases, unlike in the case of Mr. Dubey, where the track was audible and his voice was also audible. So maybe you should also look at that Takara set. Okay. Maybe that's a good choice, I would say. So Dubeji has opened the avenue for a lot of us. That's a good thing he has done, actually. So, yes. How was the Aalap box? No, that's what I'm saying. Aalap shuru mein theek tha, lekin I don't think you need to have hummed at the end of the song. Because why should you hum? I mean, it is not there in the original also, and it is not there in the track. So why are you humming at the end? It sounded okay. A bit abrupt, so that is why. That's fine. Because sometimes the tune Moment jo hai, wo play karta rehta hai, do teen bar, and then it goes to a stop. Or sometimes it tapers humming, off. Humming is there. It is there in a female voice. But it is a lady hums it. Exactly. So sometimes we mix up, so that also there are people like Usha who will point out saying, no, how did you hum? It is only in the lady version. So people are knowledgeable, so they will point out. Plus also, let us do it correctly. Good. And I think there is Madhura ji who wants to say something. She has raised her hand. Yes, madam. Yeah, it was a good attempt. It was low pitch, I think. His song was low pitch. Is it low pitch? No, I don't think he has... Scale. No, but Prasanna, did you lower the pitch or the scale? No, in karaoke, Anil Chavan track, where is the provision to lower the scale? Exactly. Okay. So he has not lowered the track. It was all right. Maybe he was singing it maybe half a point less. Yes. That is what Ramakant ji is also shaking his head. Maybe your observation is right, Madhura ji, that tujhe main chand. Maybe he was not singing at that scale. Exactly, he was saying tujhe main chand kehta tha. He was singing half a note less. Absolutely. Yes. Madhura ji has hit the nail on the head, actually. Prasanna. Can I chip in, sir? Yes, please. One more thing. The track which is available is half note lower than the original song. Acha. So what I do is I scale up half a note and then sing this song. Normally the tracks are on the correct scale only. Your point is taken. If you are saying that track itself was half a note less. Half a note lower than the original song. So wo apne ko adjust karna padega. नहीं यानी क्या मैं क्या करता हूँ सर, आई कैन टेल यू व्हाट आई डू. तो मैं वीडियो ट्रैक जो है उसको मैं ऑडियो ट्रैक होके उसको डाउनलोड करता हूँ, या फिर वीडियो को
ऑडियो कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं वेयर इट यू डोंट इवन हैव टू डाउनलोड दैट सॉफ्टवेयर, इट्स एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर. वो बोलता है कि सीधा वो जो ट्रैक है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप इट करके बोल देता है एंड देन ही सेज आपको क्या करना है इस ट्रैक को, यानी MP3 कन्वर्ट करना है या क्या करना है. तो आई कन्वर्ट इट इंटू MP3 विच इज़ नथिंग बट अ सिंपल ऑडियो ट्रैक. उसके बाद वो जो MP3 का जो ऑडियो ट्रैक है आई अगेन ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट इंटू होंडा सिटी का जैसा मैंने बोल दिया. आई ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट इंटू Audacity. Audacity is a downloadable software which all of us can download and keep it on our laptops. तो उसमें Audacity. Do you have to ask me this, Prasanna? Yes. Same. वही Audacity. Okay? तो Audacity is a bad word, but Audacity is a great software. तो it can be downloaded free into anybody's laptop, and on the top. Once you drag it and drop it, you have to go to select all, because दो tracks appear होते हैं, एक audio के लिए एक track के लिए. So then you have to select both, select all बोल देता है वो, and then you go to a top drop down which is called effect. क्या effect चाहिए आपको? तो effect में change pitch, change volume, change tempo, change speed, चेंज वो चेंज ये सब कुछ है वहाँ पे, पूरा वो जो वर्कशॉप वहाँ पे पड़ा हुआ है. आपको चेंज स्केल या चेंज पिच, जैसे मधुरा जी ने करेक्टली बताया, यू हैव टू सेलेक्ट चेंज पिच एंड ऑटोमेटिकली इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू सेलेक्ट इट डाउनवर्ड्स ओनली, यानी लोअर द स्केल. अगर आपको इंक्रीज करना है तो प्लस, रिड्यूस करना है तो माइनस. अगर आप ये कर सकते हो तो देन यू गेट योर ओरिजिनल, ये मेरा प्रेम पत्र का ओरिजिनल ओरिजिनल स्केल मिल जाता है. मधुरा जी, यू वांटेड टू से समथिंग एल्स आल्सो. यस यस, आई वांट टू आस्क यू राइट नाउ दैट इफ समबडी कैन टेल और यू कैन आल्सो टेल कि व्हेन आई स्टार्ट जूम माय फोन गेट्स डिस्चार्ज वेरी फास्ट, सो इट्स नाउ शोइंग 49, सो टिल माय टर्न कम्स इट बिकम्स वेरी लो. सो व्हाट कैन बी डन एंड व्हेन वेयर आई एम सिटिंग There is no connection here to recharge. So what to do? आपको चार्ज बैंक जो है वो जो क्या बोलते हैं उसको वो बैंक रखना चाहिए पास में, उसको फुल चार्ज करके इसको अटैच करके रख दीजिए. पावर बैंक. सॉरी, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा मधुरा. बोलिए सर. किसी भी हालत में चार्जर लगा होने के साथ आप इसको यूज मत कीजिएगा. इसीलिए बी केयरफुल, क्योंकि ब्लास्ट कर जाएगा. अभी रिसेंटली हमारे यहाँ नून में एक का पता लगा, उसने जो है मोबाइल पे बात कर रहा था, चार्जर लगा था, उसका ये कान आन सब हो गया. हाँ वो तो है. इसलिए वो चार्ज करके आप रखिए, स्विच ऑफ रखिए, और जिस समय आपका टर्न है आप उसी समय उसको ऑन कर बस. नहीं, शी कैन एब्सोल्युटली मैडम लॉग आउट फ्रॉम अ फ्यू एप्स. हाँ मैडम, आपको जब आप कंजर्व एनर्जी, करेक्ट, जैसे उषा जी बोल रही हैं कि जब आपको जूम में जाना है तो यू कैन गो टू योर सेटिंग्स इन योर मोबाइल एंड ट्राई टू स्लीप ऑल द एप्स टू गो टू स्लीप. करेक्ट. ओनली वी शुड नॉट गो टू स्लीप, बट ऑल द एप्स विल गो टू स्लीप एंड देन योर मोबाइल विल बी एबल टू कंजर्व द एनर्जी. एंड लाइक मिस्टर अपना रमाकांत जी ने बताया कि ट्राई टू कीप द यू नो द यू कैन ऑल्सो कीप ऑडियो एंड वीडियो स्विच ऑफ इन योर ओन लैपटॉप, जैसे मैं कभी कभी कर देता हूँ. दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट टू डू सिप सम वाटर और समथिंग, सो आई स्विच इट ऑफ. बट आप उसको कर सकते हैं सो दैट यूर एनर्जी इज़ कंजर्वड इन द सिस्टम, वो कर सकती हैं. बट एज रमाकांत जी सेड, कान में मत रखे, बट यूज़ मत करिएगा. मे बी इफ इट इज़ अ स्टैंड अलोन, कि जैसे आप जूम कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, देन इट कैन बी ऑन चार्ज. आई डोंट थिंक रमाकांत जी, आई डोंट थिंक दिल बी अ मच बिगर रिस्क. नहीं, उस पर अच्छा. भी ये जो है, इसका ब्लास्ट जो है अच्छा, आप मान के चलिए 3-5 feet कवर करता है अच्छा अराउंड. अच्छा, इसलिए इसमें बी केयरफुल. हाँ नहीं सर, एक ऐसा भी यानी जानकारी है कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द मेक ऑफ द पावर बैंक, यानी अच्छा ब्रांड होना चाहिए.
अभी जस्ट बिकॉज वी गेट इट चीप एंड वी गेट इट इन सम व्हाट यू कॉल सम रिची स्ट्रीट इन चेन्नई और समवेयर, वो आधे प्राइस में देगा बट पता नहीं कौन सा मेक है क्या है, वो भी है वो भी है, बट व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी करेक्ट, एब्सोल्युटली यस मधुरा. तो दैट इज द एडवाइस. बिकम्स लो टिल 30%. अच्छा, सो इफ आई सी दैट टाइम नेटवर्क कैन बी डिस्टर्ब और इट कैन डिस्टर्ब माय सॉन्ग. नहीं, चार्ज जो है कितना होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, बट चार्ज और वाईफाई में कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई इंटरकनेक्शन तो नहीं है, बट 30 अगर पहुंच गया तो इट्स अ डेंजरस लिमिट, यानी फटाफट इट कैन ड्रेन, वो भी हो सकता है, बट बेस्ट इज टू लाइक रमाकांत जी वाज सेइंग, बेटर इज टू स्विच इट ऑफ एंड कीप इट, या फिर जब आपका टर्न आए तब आप वीडियो और ऑडियो सब ऑन कर सकते हैं वगैरह. सो दैट्स मोर ऑफ अ टेक्निकल थिंग एक्चुअली. हाँ, तो हाँ, Thank you so much. Prasanna. Very nice. Very nice. Keep it up. And I can only repeat what I repeated in the last session. Ki there is this acronym ya jo bolte hai na, kya bolte hai usko? Like we use an acronym. Praise. PRAISE. To praise yane kya bolte hai usko? Badapan ya jo bhi jaise bolte hai na. हाँ, प्रशंसा जो बोलते हैं, तो इंग्लिश में प्रेज बोलते हैं उसको, प्रेज. डोंट, अरे यार अननेसेसरली डोंट ट्राई टू प्रेज मी, ऐसे बोलते हैं. तो प्रेज का क्या है फुल फॉर्म? पी फॉर प्रैक्टिस, वो तो करना ही करना है ना. उसके बाद आर फॉर रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड करके आप सुन लीजिए, आपका खुद का जो वॉइस है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो रिकॉर्ड करके सुन लीजिए. फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, अभी ऑल दो सिंगर्स हु हैव संग बिफोर एंड इंक्लूडिंग प्रसन्ना कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रोग्राम एंड सी कि कैसे उनका आवाज़ का रिप्रोडक्शन कैसे था, ऑडियो ज़्यादा है या वॉल्यूम कम है, ज़्यादा है, वॉट एवर इट मे बी. सो सेकेंड दैट इज आर इज रिकॉर्ड, देन ए इज अटेंटिवली लिसन any song and your song also, your own recorded song also. Then I is for improve, क्योंकि आप अगर एक बार सुन लिया तो आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ improvement करना है, तो improvement trend में तो चलना ही चलना है, ठीक है ना. Then I is for improve. S is for sing again, because if you want to improve you have to sing again, ठीक है ना. And E is for at the end of it you must enjoy. ऐसा नहीं है कि कोई ट्यूटोरियल चल रहा है या कोई मैथ्स का कोई ट्यूशन चल रहा है, ऐसा नहीं है. लेट अस एंजॉय, इट्स अ एंजॉयबल प्रैक्टिस और एंजॉयबल एक्सरसाइज, तो हमको एंजॉय करके गाना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज पॉसिबल हो तो इसको प्रेस को आप जो है प्रॉपर वे से है उसके एब्रिविएशंस के साथ. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए. जरूर करता हूँ, जरूर. एक्चुअली लास्ट सेशन में मैंने खुद चैट में दिया था, बिल्कुल चैट में दिया था मैंने, बिकॉज आई थॉट आई विल जस्ट पुट इट डाउन एंड थिंक लाइक दैट. एनीवे, बट ग्रेट, आई विल डू दैट. अच्छा, अभी आज 7:10 बज गए हैं, तो देर आर स्टिल 5 मोर सिंगर्स, बट इट्स ओके. आई थिंक वी विल गो स्लो एंड स्टडी. ऐसा नहीं है कि सबको एक ही दिन में करना है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई क्या बोलते हैं उसको एनफोर्समेंट तो नहीं है. तो बाकी लोग बात भी गा सकते हैं, जैसे मधुरा जी बता रही थी, उनका जब चांस आ गया तो हम बोल रहे हैं कि अभी कल गाएंगे, तो ठीक है. तो नेक्स्ट वॉज सी एस शंकर, तो मे बी 7:10 हो रहा है, 7:15 तक अगर आप जा सकें तो वी कैन लिसन टू सी एस शंकर. ओके, तो 7:15 तक अगर आप आपका अगर परमिशन हो तो वी कैन इन्वाइट मिस्टर सी एस शंकर जी. Yes, sir, we can. Good evening. Good evening. कहाँ हैं आप? I want to bring you to the center stage, sir. C.S. Shankar ji is here. Yes. First and foremost, I missed out. पता नहीं था कि उषा जी जो है बैंगलोर में है. हाँ. Not to miss Mr. Sharma's session, I drove all the way from Bangalore to Hyderabad in 9 hours flat. अरे बाप रे. I would have probably joined from Bangalore itself. So nice, so nice. But Shankar ji, आप कुछ कहने से पहले I would like to just say a few words with Mr. Shankar. Mr. C.S. Shankar is also known as Lieutenant Colonel C.S. Shankar. Because C.S. Shankar ke do avatar hain. Ek avatar tha ki wo
रिटायर हुए हो चुके हैं अभी अभी रिसेंटली जून में, आई मीन रिसेंटली नॉट जून रिसेंटली ही रिटायर्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड. तो बहुत बहुत बड़ा सलाम उसके लिए. साहब हैज़ बीन इन इंडियन ऑयल एंड ही हैज़ बीन इन ऑल द मेजर डिपार्टमेंट्स एंड एट द एंड ही ऑक्यूपाइड द पोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड वहाँ से रिटायर होके he is also now a director on the board of a few companies in Chennai, headquartered in Chennai. And us do ya ek ya do company mein main bhi unke saath hoon as a independent director. So it's been always a pleasure to interact with Mr. Shankar both professionally and personally. And the second avatar of Mr. C.S. Shankar is that he is a lieutenant colonel from the border security force. Or is it CISF? No, sir. It's called the Territorial Army. It's the Territorial Army. Sorry, sir. TA. So he is a lieutenant colonel from the Territorial Army. I think the same position or something that similar honor was also given to Mr. MS Dhoni. So he also often says that he went and served, did his service with the Territorial Army and so on. So that is Mr. C.S. Shankar. आप हैदराबाद में सेटल हुए हैं अभी और वंस इन अ वाइल कश्मीर जाते हैं, वंस इन अ वाइल कहीं बॉम्बे जाते हैं, वंस इन अ वाइल कभी बेंगलोर आ जाते हैं और कभी कभी वो चेन्नई भी आते हैं. सो दैट इज़ मिस्टर सी एस शंकर. सो सी एस शंकर जी, आप कुछ और ऐड करना चाहें तो इफ़ आई मिस्ड आउट एनीथिंग आई एम सॉरी फॉर आई अपोलोजाइज फॉर दैट बट इट्स ओवर टू यू शंकर. थैंक यू सो वेरी मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन. वनी थिंग एक छोटा करेक्शन कर दूंगा. ऑफकोर्स एम एस धोनी वाज बीन अ ग्रेट कैप्टन ऑफ इंडिया एंड गिवन अ ऑनररी टियर. ऑनररी अच्छा. बट आई हैड द प्रिविलेज ऑफ पुटिंग ऑन द यूनिफॉर्म फॉर सॉलिड 35 इयर्स. 35 इयर्स आपने वर्दी पहना तो उसके लिए एक और सलाम सर. एब्सोल्युट. जब आपने कहा यानी आप फोटो व्हेन यू पुट द यूनिफॉर्म द प्राइड. एब्सोल्युट एब्सोल्युट. वर्दी कंपाउंडेड टू वर्दी का मैजिक जो है. हां सर सच में. Yes, sir. Over to you. So, कौन सा गाना गाएंगे आप आज? Nah, but वही है. But वही. This 9 hours of travel had taken the toll on me. अच्छा अच्छा. नहीं नहीं. It's okay. What I'll do? I'll just try one Hemant number. And my request, Sharmaji, is in case not going well, I just want you to give me the indication so that I will do that like this or like this. Exactly. Absolutely. Okay. जरूर. Please come. Really sincerely follow करना चाहूँ. ठीक है ना? जरूर. Okay. And I'm since I've just landed, so I'm not using anything. I'm just putting on my iPad. I'm putting the track. And on my mobile. जुगाड़ में चल रहे हो आप. ठीक है सर. बेसिकली हेमंत कुमार नंबर एंड हियर इट गोस. इज द म्यूजिक ओके? हाँ. ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया. ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया. ये मौसम ये रात चुप है ये होंठों की बात चुप है खामोशी सुनाने लगी है दास्तां. ये मौसम ये रात चुप है ये होंठों की बात चुप है खामोशी सुनाने लगी दास्तां. नजर बन गई है दिल की जबान न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा
मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सब को छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सब को छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहां, तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। वेरी गुड, वाह वाह वाह। रमाकांत जी, हाँ जी, हमको थोड़ा सा एक चीज लगी, कई जगह पे जैसे ऑफ बीट हो रहे थे। अच्छा, कुछ स्पॉट्स पे। और उसके अलावा एक चीज मैंने फील करी कि थोड़ा गला दबा के गा रहे हैं, यानी खुल के नहीं गा रहे हैं पूरा। नहीं, वो बता रहे थे ना कुछ 9 घंटा कुछ रोड पे थे तो। हाँ, ओ, हो सकता है। वो गाने में जो है का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, थ्रोट जैसे दबा हुआ है। हाँ, जैसे फटीग बोलते हैं, फटीग या स्ट्रेन। हाँ, बोलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन। स्टार्ट किया और हम जो है हाँ करेक्ट एब्सोल्युटली। बट वेरी वेल सांग। द ओनली थिंग वाज दैट द बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, जो जो सुनाई दे रहा है वैसे, बट इट वाज नॉट क्लियरली विजिबल, क्लियरली ऑडिबल। Exactly, when you were singing, the BGM was also being heard, interestingly, but when you stopped singing and when the BGM was playing, we could not hear it, we could only hear the tabla sound kind of a thing and everything, but the best part was that you sang well in the sense, very nicely, always a little bit here and there, to theek hai 19 20 ka farak hai, but otherwise it was well. Haan ji madam, yes. Voice quality is also very good, voice quality is very good. Chalo, yes, Shankar ji, aapka din ban gaya, chalo, yes, voice quality is very good, excellent. Good, good, that's really a nice, that's a very kind, and he sang with the feel. And the only thing, mera hamdam, there is a little bit of lag. Acha, acha, otherwise this is fantastic song. Yeah, fantastic, very beautiful song, very beautiful song. And the best part is, like we said in the case of the Mukesh song, see, Hemanda also, what he does, ye hoto ki baat feel, nahi, I'm saying, no, wo chhod ke pakadta hai, yani ek jagah pe chhod ke pakadta hai usko, that is the best part. I mean, very tricky thing actually. Leke, leke karwa, I think so. What is that line about leke? No, it is not leke. Nahi, wohi, Usha, it is not like that. Dhadakte dilon ka leke. Yes, yes, it is like this. So it is abrupt. Dhadakte dilon ka, dhadakte dilon ka. Kaha ke baad jo hai, thoda pause de kar ke. Pause de ke pakadta hai. I mean, it is very nice, very nice. Oh, and these small things, but otherwise, you know, I mean, he has just come after traveling for 9 hours. This song is one of my favorite songs. Sachmuch, sir. Ye to sachmuch, bahut badhiya gana hai, sir. Bahut badhiya gana. Thank you, Shankar ji, for you know, taking the trouble after traveling. You are still not kya bolte hai usko, never give up attitude ki kaise mujhe present karna hi karna hai kind of thing. And acha hua ki aapka turn abhi aaya, to you are also, you know, you'll also go back satisfied. Yeah, thanks. Chalo, with that let us say goodbye to all.
And thank you very sir. Much, Shankar ji and everybody, all the singers. Other people need not feel bad. I'm sure Kiran Oberoi ji is going to now scold me. Because wo madam hamare se jara elder bhi hain, but vaise she takes the thing. She says, arre maine naam diya tha, but nobody is calling me. ठीक है ना, तो ऑल ऑफ यू हैव टू कम टू माय सपोर्ट बिकॉज शी इज गोइंग टू बॉम्बार्ड मी नाउ. हाँ, तो अगले प्रोग्राम में जरूर उनको, यानी द सेम लिस्ट विल कैरी ऑन एंड वी विल ओपनिंग करा दीजिएगा. हाँ हाँ जरूर, पहला दीजिए ओपनिंग करवा. हाँ हाँ जरूर, देयर आर एंड लेट मी आल्सो. यस मैम, यस मैडम, कौन है? ऐसा बोलना चाह रही हूं नेक्स्ट में मधुरा. मधुरा, हाँ हाँ, नेक्स्ट सेशन में मैं गा नहीं सकूंगी, मेरे बेटी का एंगेजमेंट है. अरे कंग्रेचुलेशन मधुरा जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाइयां हमारी तरफ से. अरे एंगेजमेंट है तो आप एंगेजमेंट में गाइए ना. हाँ वो उस समय गाने वाली हूँ, होप कि आप लोग भी सब आते, लेकिन मतलब ग्रुप में बहुत मजा आती, लेकिन नहीं हो पा रहा है वो. तो मैं तो गाने वाली हूँ, मैं गाने वाली हूँ ये वाला, यही वो जगह है, यही वो जगह. वाह ब्यूटीफुल, वेरी एप्ट सॉन्ग मधुरा जी. वही सुनने वाली थी, प्रैक्टिस हो जाती मेरी, तो कोई बात नहीं. मैं 15 जुलाई के बाद, 15 तारीख को है. अच्छा, 15 जुलाई के बाद मैं सेशन में पार्ट लूंगी जरूर. और हमारी तरफ से एक क्या बोलते हैं ऑफर भी है कि हम तो एंगेजमेंट में तो आ नहीं सकेंगे, लेकिन शादी पे जरूर आएंगे. sure, शादी पे आपको नहीं छोड़ेंगे. हाँ वो तो है ना, तो हम हाँ तो आपका यानी आप टिकट विकेट तो भेजेंगे ही, बट हम लोग सब आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे हम लोग. हाँ जरूर, अरे और एक प्रोग्राम भी हो जाएगा हमारी तरफ से कि ए टू जेड इज प्रेजेंटिंग अ प्रोग्राम ड्यूरिंग द संगीत सेरेमनी ऑफ मधुरा जी डॉटर. चलो क्या है ना, हाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, लेकिन हाँ टिकट आप भेजने तो वाले ही हैं वैसे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, एक पैसा नहीं लेंगे आपसे. एंड ऑल ऑफ अस फ्रॉम अलाहाबाद टू चेन्नई टू बैंगलोर हैदराबाद लखनऊ सब आ जाएंगे, पूरा धूम मजा देंगे मैडम. वेडिंग कहाँ पे होगा? वेडिंग 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 कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली बॉम्बे, मुंबई. मधुरा जी वेडिंग तो मुंबई में हो? अरे पुणे तो अच्छा है ना, तो मुंबई से इतना भी दूर नहीं जाना है, तो अगर अगर टिकट का कॉस्ट अगर 7000 है तो पुणे तो 5000 ही होगा, तो आ जाएंगे हम लोग जरूर. भेज दीजिएगा टिकट विकेट, भेज दीजिएगा, हमारा बैनर बन जाएगा, तब तक हमारा बैनर भी बन जाएगा, एंड देन वील ऑल कम. एंड इन माई केस आई डोंट वॉन्ट अकोमोडेशन बिकॉज माई नीस इज देयर, तो आपका एक अकोमोडेशन भी बच गया. चलो मेरे तरफ से ऑफर. मैडम ऐसा है मधुरा जी, मधुरा जी बहुत अच्छी बात है, मधुरा जी मैं इतने फ्रेंड्स मेरे को मिल गए हैं. हाँ हाँ फ्रेंड्स मुझे मिल गए. नहीं नहीं क्या है ना, आफ्टर आफ्टर 60 ना मैडम. मधुरा प्लीज अरेंज अ बिग सिंगिंग पार्टी इवनिंग. Yes. Oh, all of us will sing yes. each one one. Yes. We'll have and 6 to 9 performance. Correct. Correct. And ऐसा है कि not that anything untoward will happen, but Dr. Jason also is there, so she is a doctor. अगर कुछ यानी तबीयत ठीक नहीं हुआ, तो she is also there in our team. तो we are a self-sufficient. Dr. S.P. Mishra है. अगर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यानी आप इतना बढ़िया खाना देने वाली हैं कि हमारा तो पेट हजम का तो प्रॉब्लम होगा ही, तो डॉक्टर एसपी मिश्रा भी हैं. मधुरा जी मैं आई एम राइट नाउ इन पुणे, कुछ करना हो तो बताइए. हाँ देखिए आपका सर आप एक काम करिए, पुणे में एक टेम्पररी क्लिनिक सेटअप करके आ जाइएगा, सो दैट इन केस यानी इतना बढ़िया होगा खाना कि वी विल ऑल ओवर ईट. पूरा हाँ दिल भर यानी दिल खोल के गाने भी वाले हैं, तो मधुरा जी का तो अभी पूरा सेटअप हो गया, अभी एंगेजमेंट कहाँ, शादी भी हो गया अभी, शादी भी ऑलमोस्ट. एक और गुड न्यूज, अच्छा चलो चलो. 15 को ही उसकी एंगेजमेंट है, 15 को ही हमारी एनिवर्सरी है. ओह लवली, एडवांस में आपको बहुत बहुत बधाइयां. तो अभी क्या बोले, अभी बधाइयां तो है भी वैसे, बट आपको अभी बहुत जल्द अभी
काम पे लगना है ना कि टिकट बुक करना है हमारा बहुत सब, सारे काम है, बहुत और हाँ और सारे काम अकोमोडेशन बुक करना है, काफी काम है आपको। आई थिंक यू आर पुलिंग हर लेग्स। नॉट पुलिंग हर लेग मैडम, नॉट एट ऑल। व्हाट डू यू मीन? इफ यू बुक माई टिकट आई विल कम इमीडिएटली। व्हाट आर यू सेइंग? Oh, so oh, you are saying that you will take book the ticket on behalf of Madhuraji? Oh, that's a fantastic offer, yeah. Oh, bahut badhiya. I mean, I didn't know that you are all so large-hearted, generous, ready to help. My God. Or तीसरी good news, उसी अरे? दिन मेरा बेटा मुझे मुझे इस टाइप का दूसरा टाइप का ये गिफ्ट करेगा। वो आपको बोला था ना कि कौन से Three in one offer. Yani buy one, get two free. Madhuraji, what make is that? What you did? What make is that? Yani वो कौन सा brand है वो जो आपको मिलने वाला है? Mike. हाँ वो जो काकू. AKU. ठीक है. तो ये वहाँ पे Malaysia से मंगाया उसने. उधर वो सस्ता और अच्छा मिलता है. Quality is good. मैं बोल रही थी कि उसको India में देंगे. आप इधर आ जाओ. यहाँ पे हाँ. तो नहीं बोला वहां से अच्छा मिलेगा। मैं आपसे पूछ रही थी ना कि जिस टाइप का हाँ. आप यूज कर रहे हैं वैसे हाँ, हाँ, क्या आपने तो पूछ, आप पूछ रही थी 10,000 का था 600-700 रुपए अच्छा इतनी जरूरत नहीं है अभी अभी हम यही ले लेंगे तो उसने बोला है अच्छा नहीं आप वो जो मॉडल है ना टकारा उसको भी देखिए जरा अच्छा क्योंकि okay. वो तो ऑल इन वन है उसमें पूरा सब कुछ उसमें बैठ गया ना रवि जी भी देख लीजिए वो भी देख लीजिए एंड हमारे 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 सब सब लोगों के हाँ टकरा हैज माइक आल्सो यस यस इट हैज टू माइक्स लेकिन सर ये वो उसके डुएट के लिए हाँ डुएट के लिए नेक्स्ट टाइम हो देगा नेक्स्ट ईयर उससे दूंगी जरूर जरूर ओके गुड वेरी गुड मधुरा जी जरूर ओके थैंक यू सो मच या थैंक यू गुड नाइट चलो एवरीबॉडी ओके सो ऑन दैट गुड न्यूज ऑफ एंगेजमेंट कम उनका जो क्या बोलते हैं बर्थडे वगैरह प्लस गिफ्ट भी मिल रहा है उनको अच्छा वंडरफुल उसने खुद अरेंज किया है लव मैरिज अच्छा और ये वो लोग राजपूत हैं हम लोग महाराष्ट्र में हैं तो वो राजस्थान से हैं राजस्थान के राजपूत वाह वाह वंडरफुल वंडरफुल राजपूत जी हैं बाप रे बाप तो उनको तो सलाम तो देना ही पड़ेगा नेशनल इंटीग्रेशन सचमुच वंडरफुल वंडरफुल थैंक यू मधुरा जी थैंक यू सॉरी मधुर सबका टाइम लिया थोड़ा मैंने नहीं नहीं ठीक है ना अभी इसका दिस इज लाइक फैमिली ना तो ठीक है वी शुड आल्सो एक्सचेंज फैमिली सीनियर्स विल बी गिविंग वन बृंदकान हां बृंदकान हां जरूर जरूर एब्सोल्युटली गुड वेरी नाइस वेरी नाइस कुछ समझा नहीं 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 चलिए Thank you, so saying, much. Thank you, Madhura. So, Madhura ji is part All of season best, one. Madhura she is part ji. Of season one of A to Z of Karaoke Singing. She was a very active member. Unhone hi initiative leke WhatsApp group wagera form kiya tha. So, she is also another very enthusiastic person like many of you. So, thank you, Madhura ji. Hats off. Congratulations and our best wishes. Salaam. Okay. Salaam. चला जाऊ अपन ओके बाय ऑल एवरीबॉडी गुड नाइट चलो गुड नाइट थैंक यू राम राम बाय बाय गुड नाइट